तो गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की जो डेट है वो है वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी। तो ऐसे में आप सब बहुत ही मजे कर रहे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। जो भी मतलब तनहा सा महसूस कर रहे हैं भाई ऐसा मत करो, हो सके दूसरे साल यानी कि आने वाले साल आप भी अपनी जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ इंजॉय कर सकते हो। तो चलो इस बात पर दुख मत लेना यार, जिंदगी कभी कुछ देती है कभी कुछ लेती है, तो इन सब चीज़ों को छोड़ो और आगे की तरफ देखो। एक बेहतर जिंदगी आपके लिए जो कि है प्रतीक्षा कर रही है। तो आज की वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं उन सभी से एक छोटी सी दरखास्त है कि भाई वीडियो को जो कि सब्सक्राइब, वीडियो को मतलब एक लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बिल्कुल दबाना बिल्कुल ही मत भूलो, क्योंकि इससे हम सबको मिलती है एक बूस्ट, एक सपोर्ट और साथ ही साथ अपना एक प्यारा सा जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमेंट मेरे लिए छोड़ दो, ताकि मैं समझ सकूँ वीडियो अच्छा है या फिर बुरा। तो आज हम सब बात करने वाले हैं नासा की मार्स मिशन 2 के बारे में। बहुत सारे ऐसे लीक्स जो कि है निकल के आ रही है सामने, और इन सब चीज़ों को मैं रखने वाला हूं आप सबके आगे और आप सबको बताऊंगा कि कुछ होने वाला है या फिर नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को समय की बर्बादी को ना करते हुए। सब्सक्राइब कीजिए टेक इशू को, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए हमारी टेक रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो वीडियो तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप सबसे मांग लूँ माफी, क्योंकि इस मिशन में जो रोवर को यूज किया जाने वाला है उसके बारे में कोई भी जानकारी, प्रॉपर और सही जानकारी मैं जुटा नहीं पाया हूँ। तो इसके ऊपर एक वीडियो मैं बनाऊंगा, जब इसके ऊपर मतलब ऐसे इन्फॉर्मेशन आए जिस पर मैं भरोसा कर सकूँ तो तब उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इस मिशन के बारे में ही बात करते हैं। तो देखिए ये मिशन जो कि है 2020 से 2021 के बीच कभी भी हो सकती है, और ऐसा कुछ सुनने के लिए आ रहा है कि यहाँ पे नासा का सबसे बड़ा रॉकेट जिसको सैटेल रॉकेट कहा जाता है उस रॉकेट को यूज़ में लिया जाने वाला है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी को काम में लिया जाएगा जो इससे पहले शायद ही काम में लिया गया था। आप सबको बता दूँ कि नासा के पास अपना एक स्पेस स्टेशन है जिसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी कहा जाता है। तो कई सारी चीज़ें इससे जुड़ के जो कि है बनने वाली है। यहाँ पे मैं बात कर लूँ, यहाँ पे जो कि है ये एक मैन मिशन भी होगा, और साथ ही साथ वो जो कि है रोवर को भी उतारने वाले हैं। वो कोशिश करेंगे वहाँ पे किसी तरीके का कैरियर उतारें, ताकि वहाँ जितने भी लोग जाने वाले हैं वो सब सही तरीके से ट्रैवल भी कर सके। तो ये जो कि है एक बहुत बड़ा कदम है, और सब आप सबको बता दूँ ये जो कि है इंटरनेट बेस्ड जानकारी है, तो हो सके इसमें कुछ बदलाव आए या फिर ये जितने भी रूमर्स है ये गलत निकल सकती है। लेकिन आप सबको पता है मेरी जो वीडियोज़ है ज़्यादातर वो गलत नहीं होती है, क्योंकि मैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ और उन सभी रूमर्स को उठाता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं या फिर जिन पे मैं ट्रस्ट करता हूँ और वो ज़्यादातर सही होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो कि है यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट के जरिए आप सबको समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ होने वाली है, यहाँ पे पहले एक रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा, वो रॉकेट जो कि है एक कैरियर को छोड़ देगा स्पेस में। उसके बाद दूसरा एक रॉकेट जो कि है उसको भी लॉन्च किया जाएगा, और वो जाके इंजन के साथ जुड़ेगा उस चीज़ के साथ। उसके बाद वो जो कि है मार्स के लिए निकल जाएगा। इससे क्या होता है और इस चीज़ को क्यों किया गया है, तो इस चीज़ को मैं आपको डीपली समझाता हूँ। देखिए जितनी भी बड़ी बड़ी रॉकेट्स होती हैं जिनको ज़्यादा दूर तय करना होता है, वहाँ पे क्या होता है दो साइड में चेंबर्स होते हैं जहाँ पे सॉलिड फ्यूल का यूज़ किया जाता है, और एक बड़ी जो कि ये बूस्टर होते हैं जहाँ पे भी फ्यूल होता है, और उसके साथ वो मैन व्हीकल लगता है जिसपे जो मतलब आपकी जितनी भी स्पेस एस्ट्रोनॉट्स है वो बैठते हैं। पर कई बार ऐसा खतरा होता है कि अगर भाई रॉकेट में कुछ गड़बड़ी हो जाए या फिर रॉकेट ब्लास्ट हो जाए, यहाँ पे स्केप सिस्टम जो कि ये काम ना करे, तो एस्ट्रोनॉट्स की जान को काफ़ी खतरा होता है और वो जो कि है अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इस चीज़ को ना करने के लिए यहाँ पे किया गया है इस चीज़ को प्लान, जहाँ पे व्हीकल को एक रॉकेट के जरिए छोड़ा जाएगा और उस चीज़ को इंजन के साथ बाद में जोड़ा जाएगा। तो ऐसे में कम फ्यूल भी लगेगा, वजन भी कम होगा, और ऐसे में ज़्यादा दूर जो कि है तय भी कर पाएगा। तो ये एक जो कि है बहुत ही न्यू अलग कॉन्सेप्ट है, और इसके ऊपर नासा अभी भी काम कर रहा है भाई, हद तक जो कि है इसमें वो सक्सेस भी हो चुके हैं। इस चीज़ की प्लानिंग उनको तब आई जब वो अपने इंटरनेशनल जो कि स्पेस स्टेशन है उनके लिए खाना या फिर पानी वगैरह सप्लाई करते हैं कुछ इस तरीके से, जहाँ पे हर 6 महीने में एक रॉकेट को लॉन्च किया जाता है और वो अपना खाना ले जाके कुछ इस तरीके से बिल्डअप करते हैं या फिर ज्वाइन कर लेते हैं स्पेस स्टेशन के साथ। यहाँ पे फिर उसके अंदर से सभी चीज़ों को निकाल लिया जाता है और वहाँ पे सारी चीज़ों को काम में लिया भी जाता है। अगर आप सब बात करते हैं इस मिशन की ज़रूरत क्या है, तो देखिए मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, एकमात्र ऐसा ग्रह जो कि है मंगल, जहाँ पे हम सब उम्मीद करते हैं कभी ना कभी इंसान होंगे या फिर थे, या फिर कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि इंसान जो कि है मंगल से ही आए थे। तो देखिए सभी चीज़ों को अगर आप एक लाइन में देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम सबको एक ऐसी उम्मीद होती है मंगल से कि वहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी को दोबारा बसा सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है धरती की जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही तेज़ी
तेजी से खत्म हो रहा है, ऐसे में ये प्लेनेट कभी ना कभी जो कि है डिस्ट्रॉय होने ही वाला है। तो हम सबको अगर ह्यूमन स्पीसीज को जिंदा रखना है तो हमको एक नया घर ढूंढना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं दोस्तों जिनको शेयर करना अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये मिशन लगभग हो सकता है 3 महीनों के लिए, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाके यानी कि मंगल तक पहुँचने के बाद 3 से 4 महीने रहें। लेकिन आपको एक अजीबोगरीब बात बता रहा हूँ जिसलिए मुझे कई ऐसी लगती है कि यह अनमैन जो कि है मिशन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन होती है। अगर इसमें थोड़ी सी भी चूक या फिर गड़बड़ हो जाती है तो मिशन फेल हो जाता है। तो वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसरो की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो समझा रहे हैं किस तरीके से किसी भी अगर प्लेनेट पे आप जाना चाहते हैं तो किस तरीके का कैलकुलेशन होता है। और अगर बात किया जाए कि अगर इनकी किस्मत इसरो जैसी रही तो वो जब फेज में एंटर करेंगे तो एक ऐसी जोन में करेंगे जहाँ पे जाने के बाद कनेक्शन कट जाएगा, तो वहाँ पे कुछ एक्सीडेंटली हो भी जाता है तो नासा को पता ही नहीं चलेगा कि हाँ भाई हमारी जो की है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो चुकी है। अब उनको जब तक पता चलेगा तकरीबन 9 महीने बाद, तब तक तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है और तब तक किसी को बचाया भी नहीं जा सकता। तो आज की वीडियो को दोस्तों ख़त्म करते हैं यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ मार्स मिशन 2 के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी आपको मिल चुकी होंगी। और भी कुछ अगर मैंने गलती किया है या फिर नहीं बताया है तो आप कॉमेंट में ज़रूर बताना, इसके ऊपर एक और वीडियो बना के मैं आपको वो चीज़ भी समझा दूंगा। और ऐसे में फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में हमेशा ही रहता है, आप चाहो तो वहाँ पे जाके मुझसे किसी भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो जिसका जवाब आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।